राज भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम्हें भी खुशी है ये मैं जानता हूं, और सच कहूं तो मैं भी खुश हूं। सन्नी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सन्नी, तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। उसके बाद सनी ने कभी ऐसे बातें नहीं की जिससे हम दोनों में झगड़ा हो। मैंने सनी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपने सनी को सारी बातें बता दी। हमसे ज़्यादा दुख सनी को हो रहा था, हमारा परिवार न टूट जाए। सनी मुझे समझा रहा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सच में ये एक पागलपन है। उनके साथ पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से वो तुम पर शक नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, वो जरूर बदल जाएंगे। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो मुझ पर शक करते हैं। सहना पड़ेगा और झेलना भी। राज जी की वजह से सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो रहा है, ये कभी मत भूलना। तुम्हें सहना तो पड़ेगा ही, पर मैं राज भाई को इस बारे में समझाऊंगा, देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। चलता हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब सहना पड़ेगा, यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमारा रिश्ता टूट रहा था तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब आपकी माँ बीमार पड़ी तो आप गांव गए थे और मैं अकेली हो गई थी। जिंदगी में कभी रोशनी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी। आंख खोला तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये अब ठीक है, हो सकता है आज शाम तक ये डिस्चार्ज हो जाए। सर, आज शाम तक आप घर जा सकती हैं। मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें आकर देखता रहूंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं रहूंगा, बुला लेना। जी सर। सेजल, तुम जाके नहा के फ्रेश हो जाओ और अच्छे से खाना भी खा लेना ताकि तुम्हें ताकत मिले। पांडे, तुम यहीं पर रहना, मैं काम खत्म करके रात को आता हूं, ठीक है? जी सर। सच में सनी से नफरत हो गई थी, मैं सबसे दूर होना चाहती थी, लेकिन सनी ने मुझे फिर से उसी दुनिया में ला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी। मीम साहब फ्रेश हो गई हैं और खाना भी खा लिया है, आप ठीक हैं। साहब, मैं दो दिन से घर नहीं आया हूं, मैं घर जाके नहा कर आता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, पर तुम नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैं क्या करूं, मुझ पर शक करते हैं वो, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे बचा लिया। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। क्यों बचाया तुमने? तुम रक्षक हो, मेरे पास एक ही रास्ता है, आत्महत्या। आप कितनी बार बचाओगे मुझे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सिसल,
मैं अपने सारे सपनों को भुलाकर तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, यही अच्छा होगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बारे में मुझे मत बताना। मुझसे प्यार करके अपने परिवार के लिए मुझे धोखा देकर चले गए। मुझे प्यार से नफरत हो गई। मैं जिस बात के लिए डर रही थी, उनसे शादी करने के लिए आपने मुझसे जबरदस्ती की। अब वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मरने नहीं दिया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं राजभाई से जाकर बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, पसंद नापसंद आपकी बात मानने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। इस जिंदगी से मुझे नफरत हो गई है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं सेजल, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए बस। तुम्हें अपना बनाकर मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू। नहीं, नहीं सेजल, मान जाओ मेरी बात, प्लीज मान जाओ मेरी बात। सेजल देखो, प्लीज मान जाओ मेरी बात। सेजल सुनो। नहीं, मुझे नहीं लगा हमने कोई गलती की। मुझे पता है कि राजभाई ने तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया है। मैं उन्हें बता दूंगा कि उनकी शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार किया करते थे। राजभाई के आते ही बता दूंगा। मैंने सब कुछ आपको बताने का फैसला कर लिया था। आपका ही मैं और सनी इंतजार कर रहे थे। उस दिन जब आप आए, मैं आपको अपनी बातें बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। आपने जो कहा वो सुनने के बाद मुझे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी तरह सनी भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। तब आपको सारी बातें बताने के लिए सनी ने मुझसे जबरदस्ती की, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सनी नहीं मान रहा था। मैंने जो उनको धोखा दिया, हर पल मुझे कांटे की तरह चुभ रहा है। अब हमें सब बता देना चाहिए। ये धोखा नहीं है, पर मैं नहीं बताऊंगा। राज भाई की सोच बदल जाएगी, ये हम दोनों को ही नहीं पता था। एक छोटी सी गलती सुधारने के लिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सारी गलतियों को सुधारने के लिए हम दोनों को एक और गलती करनी होगी। हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे भूलना होगा, नहीं तो राज भाई तुम्हारे बारे में जो सपना देख रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, और यही ठीक होगा। That will be the end of everything.
सच में मेरी जिंदगी से दूर होने के लिए सनी ने ट्रांसफर ले लिया। सनी के सेंड ऑफ करने के लिए आपने एक पार्टी दिया था, उस दिन मैं गर्भवती थी। ये बात सनी को नहीं पता था। जब ये बात सनी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे कोख में उसका बच्चा था और मैंने ये बात उसे नहीं बताई थी। मेरे ट्रांसफर होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। तुम्हारा जो बच्चा होगा उसे राज का बच्चा समझकर उसका अच्छे से पालन पोषण करना। मैं तुम दोनों के खुशी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। हमने ये गलती जानबूझ के नहीं की है। हो सके तो मुझे माफ करना, भूल जाना मुझे। उसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिले। उससे नहीं मिलने के लिए मैंने अपने मन से प्रार्थना की थी। इसकी वजह से मैं सनी की शादी में भी नहीं गई, सनी की पत्नी डेजी और उसकी बेटी की मौत में भी नहीं गई, लेकिन कोवाला में मैं सनी से वापस मिली। सनी शादी करके अपने बीवी बच्चे के साथ बहुत खुशी जी रहा था, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दिन जब आप वॉक पे गए थे, मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, डेजी और उसकी